गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं सीए शम्भी सलूजा। सो आज हम बात कर रहे हैं प्लान बी फॉर यूएससीपीए स्टूडेंट्स। देखिए, यूएससीपीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, अमेरिका के सीए का प्रोफेशन और बहुत कॉस्टली एग्जाम है। तो जब एक स्टूडेंट यूएससीपीए को ज्वाइन करता है तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा बहुत डाउट डेफिनेटली होता है कि क्या मुझसे सीपीए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सीपीए कोई बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं रियलिस्टिक होके बात करूं, लेकिन यूएससीपीए को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो एक रेगुलेशन सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। तो रेगुलेशन बेसिकली अमेरिका का यूएस का टैक्सेशन है और एक प्रोफेशन है इनरोल्ड एजेंट, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो अगर आपने यूएससीपीए के रेगुलेशन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया और अगर आपको आने वाले समय में लगता है कि आपको फार या ऑडिट काफी डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो आप एक प्लान बी की ओर मूव ऑन कर सकते हैं और वो है इनरोल्ड एजेंट। जो भी सीपीए के रेगुलेशन में आपने पढ़ा है, डिक टू डिक थोड़ा सा एडिशनल ही पढ़ना पड़ेगा, इनरोल्ड एजेंट में भी वही है। क्योंकि यूएससीपीए में आप रेगुलेशन में कंपनीज का एंटिटी कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल का टैक्सेशन पढ़ते हैं, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट इनरोल्ड एजेंट में भी है। तो अगर आपको यूएससीपीए को पास करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप ईए की ओर भी मूव ऑन हो सकते हैं। ईए जो है वो यूएससीपीए से बहुत ज्यादा आसान है। उसका सबसे बड़ा रीजन, एक ही सब्जेक्ट को तीन पार्ट्स में बांट दिया। सो सबसे अच्छा बेनिफिट एक और ये भी है कि इसमें आपको सिमुलेशन सॉल्व नहीं करने, तो बिना सिमुलेशन के केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने, और ईए का रिजल्ट भी काफी अच्छा है और कॉस्ट भी, यूएससीपीए का एक पेपर की कॉस्ट अगर 65,000 है तो यहां एक पेपर की कॉस्ट $200 है, अप्रोक्सीमेटली 15,000। तो उससे बेटर अगर आप रेगुलेशन पढ़ चुके हैं और सीपी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ईए की ओर भी मूव ऑन कर सकते हैं। इनरोल्ड एजेंट भी बहुत एक्सीलेंट प्रोफेशन है, यहां पर आपको एक लाइसेंस मिलता है। तो जो सीपीए की रेगुलेशन में आपने पढ़ा है वो आपको काम आने वाला है इनरोल्ड एजेंट में। और सीपीए के फार सब्जेक्ट में जो आप पढ़ते हैं वो यूएससीएमए के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो अगर आपको यूएससीपीए डिफिकल्ट लग रहा है तो आपके लिए प्लान बी ये हो सकता है कि आप इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट कर लें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनरोल्ड एजेंट जो है वो सीपीए से बहुत ज्यादा आसान है और उसकी भी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो आप एक प्लान बी को भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। नो डाउट सीपीए एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अमेरिका का प्रोफेशन है, वहीं ईए एक लाइसेंस है जो आपको टैक्स प्रैक्टिशनर की लाइसेंस प्रोवाइड करता है। आईआरएस के सामने रिप्रेजेंट हो सकते हैं, क्लाइंट को टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सीपीए को तो डेफिनेटली आपने पास करना चाहिए, लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप एक आध पेपर में स्ट्रगल कर चुके हैं, तो आप ए की ओर भी मूव ऑन हो सकते हैं। ये आपको सीपीए से आसान पड़ने वाला है। सो इस छोटे से वीडियो में बस यही मैं आपको नॉलेज देने जा रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।